الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله، الحمد لله خالق الوجود من الأدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. तमाम किस्म की तारीफ की बड़ियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक व ज़ेबा है, और लाखों नहीं करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सवालात बाकी रह चुके हैं, हम उन सवालात को जाहिर सी बात है उन सवालात का इंतखाब किया गया है जिन सवालात का जवाब अमूमन यूट्यूब पर या नेट पर या आम तौर पर बुनियादी किताबों में नहीं पाए जाते। तो हमने ऐसे ही सवालात का इंतखाब किया है और उन्हीं सवालात का जवाब देना हम मुनासिब समझते हैं ताकि तलबा को भी उसका काफ़ी सारा फायदा हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जो सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है जैसा हमने इरादा किया है कि कल अल्लाह के फजल करम से 14 सवालात के जवाब आप लोगों के सामने रखे गए, आज भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात लिए जाए, और लगभग अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो 70 सवालात के जवाबात 5 दिन में मुकम्मल होंगे, और जो 10 खुतबात होंगे जो अभी अपलोड हो रहे हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 6 खुतबात अभी अपलोड हो चुके हैं, तो वो 10 खुतबात और ये 5 नशिस्तों की बुनियाद पर, या यूँ समझे ये सिलेबस होगा और एक एग्ज़ाम इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो उस इम्तिहान में पास होते हैं तो इंशाल्लाह उनके लिए हम फिर शॉर्टलिस्ट कर उनके लिए जो है कोर्स जो है शुरू किया जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो उम्मीद के ये बात आप लोगों के सामने जो है वाज़ह रहे। ठीक है, इसके बाद इंशाअल्लाह आज हम देखते हैं कि पहला सवाल जो है, जो सवालात हैं इंशाअल्लाह वहाँ से हम दर्स को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। पहला सवाल ये आया है कि मुतअद्दिद अहादीस में देखा गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ लोगों को ये जो सवाल होता है कि अय्युल आमाल अफजल, कि सबसे बेहतरीन इस्लाम क्या है, सबसे बेहतरीन अमल क्या है, तो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जवाब दिए गए, जैसा कि आप लोगों ने भी बार बार ऐसी अहादीस सुनी होगी, तो इसकी तौजीह क्या है। देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। जो मुतअद्दिद अहादीस में आपको ये सवाल आम तौर पर मिलेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी सवाल पर आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। किसी को कहा कि नमाज पढ़े, किसी को कहा कि वालदेन के साथ उसने सुलूक करे, किसी को कहा कि गुस्सा ना करे। ठीक है, शेख मोहम्मद इब्ने आदम ये अफ्रीका के बहुत बड़े मुहदिस इसी दौर के गुजरे हैं, उनका इंतकाल हो गया। आपकी एक शरह है सुनन नसाई की जो कम से कम 42-40 से ज़ायद जिल्दों पर मुश्तमिल है, अगर उसमें आप किताबुल हज या मनासिक के हज उठाकर देखेंगे वहां पर आपने एक बेहतरीन तौज़ी उसकी पेश की है। एक एक्सप्लेनेशन, तौज़ी कहते हैं एक्सप्लेनेशन को, ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके की मुनासिबत से या हालात को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ साइल, साइल कहते हैं क्वेश्चनर्स को, तो जो क्वेश्चन करने वाला है उसकी हालात देखकर या वो असबा या वो सरकमस्टांसेस देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताबिक बेहतरीन अमल उसको दिया। या फिर एक जवाब उसका ये भी है, दूसरा नाहिया ये है कि तुम्हारे लिए सबसे अमल, यानी ये जो मिन है कि तुम्हारे लिए या फिर तुम में से बेहतर वो है कि तुम ये अमल करो या नमाज वक्त पर पढ़ो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मिसाल के तौर पर
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहलोयाल के लिए बेहतर है। इसका ये मतलब नहीं कि जो अहलोयाल के साथ बेहतर है वो सबसे बेहतर होगा, नहीं, क्योंकि ये भी देखा जाएगा साथ में कि उसका अकीदा क्या है। तो बताने का मकसद ये है कि मुतादिद वजूहात है इसके। तो पहली वजह, अगर इसको आसान अंदाज में हम समझें, तो हालात को, उसकी कैफियत को मद्देनजर रखते हुए अमल बताया गया। और यूं समझे कि तुम में से बेहतर ये है, यानी तुम्हारे लिए सबसे बेहतर अमल ये भी एक तौदी पेश की जाती है उमूमन। ठीक है, तो ये है आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा जो सवाल किया गया है वो ये है कि आपने कहा था कि हाफिज इब्न रजब हम्बली रहमहुल्ला काफी बड़े आलिम थे, तो उनकी किताब में एक किताब है, किताब उर्रद अला मन इत्तबअ गैर मदाहिब अरबा, तो इसकी क्या तौजीह है। बड़ा अच्छा सवाल है और जिस तालिबे इल्म ने भी ये सवाल किया काबिले तारीफ है। देखें, ये जो किताब है जिसका जिक्र आपने किया है कि किताब उर्रद अला मन इत्तबअ गैर मदाहिब अरबा, कि उन लोगों का रद जो अइमा अरबा की इत्तबा नहीं करते या उनके अलावा किसी और की इत्तबा करते हैं, तो आया पहली बात तो ये है कि इब्न रजब अल हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने किन लोगों की मजम्मत की, या यहाँ पर किन लोगों की जो है तंबीह मुराद है। पहली बात तो ये समझा जाए कि अमूमन अहले हदीस में और रहमा अहले राय में जिस तकलीद को लेकर इख्तलाफ है, वो तकलीद शख्सी है, ना कि तकलीद मुतलक। बात को समझें, हम जिस तकलीद के कायल हैं मुतलक, मिसाल के तौर पर फसल वहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, आपको मसला मालूम नहीं होता, आप किसी मुफ्ती से पूछ लेते हैं, तो बिल्कुल इस किस्म की तकलीद तो जायज है। लेकिन मसाइले मनसूसा में तकलीद करना, हम इसको हराम समझते हैं। क्या माना, जैसे इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह ने अलामुल मौकईन के अंदर भी बात बयान की कि अशर्क फिर रिसाला, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में किसी को शरीक करना। इसको एक मिसाल से समझे आप, एक आसान अंदाज में मैं आपको अगर इसको समझाऊं, तो अल्लाह ने खय्यम रहमतुल्लाहि अलैहि ने अलामुल मौकईन के अंदर एक लतीफ बहस की। एक हनफी इमाम ने तैमिया रहमहुल्लाह के पास आता है और कहता है कि मैं अहले हदीस होना चाहता हूँ, या फिर ये है कि मैं अपना मसलक छोड़ देना चाहता हूँ, यानी हनफी मसलक मैं छोड़ देना चाहता हूँ। तो उस वक्त इमाम ने तैमिया रहमहुल्लाह ने उससे पूछा कि क्या वजह है। जाहिर सी बात है, वो ये कहता है कि काफी सारी सही अहादीस हमारे मजहब के खिलाफ होती है। बहरहाल इस किस्म का कुछ वाकया, शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमहुल्लाह ने क्या कहा कि देखो, तुम अपने मजहब को तीन हिस्सों में तकसीम करो या तीन हिस्सों में उसको बांटो। पहला हिस्सा तो ये हो कि वो फतावे या वो अकवाल जो कुरान और हदीस के मुआफिक है, तो जाहिर सी बात है तुम उसको शरह सदर तुम्हें हासिल हो जाएगा। यानी अगर तुम हनफी हो, तो अगर तुम पूरे फतावों को जमा करो, तो जाहिर सी बात है बास फतावे ऐसे होंगे, या यूं समझिए अक्सर फतावे ऐसे होंगे जो कुरान और हदीस के मुआफिक होंगे, आप उनकी इतबा कर ले, उनकी पैरवी कर ले। बास फतावे ऐसे होंगे जो कुरान और हदीस के खिलाफ होंगे, तो आप उसमें क्या करें, आप उनकी पैरवी ना करें। लेकिन बाज ऐसे फतावे भी होंगे जो यूं समझे आप कि जहां पर नस वाजे नहीं होगी, यानी दोनों तरफ दलाइल होंगे। उसकी एक मिसाल आप समझे, अगर आप देखें रुकू के बाद हाथ बांधना, आप समझ रहे हैं आप लोग, जब रुकू में हम जाते हैं तो रुकू से उठने के बाद, बाज अहले इल्म इस बात के कायल है कि रुकू से उठने के बाद भी हाथ बांधे जाए, लेकिन बाज अहले इल्म जैसे शेख अल्बानी है, शेख मुहिबुल्लाह शाह राशिदी है, ये अहले इल्म इस बात के कायल नहीं कि रुकू से उठने के बाद हाथ बांधना मसनून नहीं है। अब इसमें इख्तलाफ है। तो शेख उल इस्लाम ने तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा बाज मसाइल ऐसे होते हैं जहां पर फरीकैन, यानी दोनों तरफ दलाइल होते हैं, आप उसमें जहां पर आपका दिल मुतमईन हो आप उसकी पैरवी कर लें। तो बताना मकसद ये है साथियों कि जिस तकलीद के हम खिलाफ हैं, हाफिज इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह ने जिस तकलीद का हुक्म दिया, वो ऐसा नहीं है, तकलीद शख्सी नहीं है कि अहादीस आने के बाद और कुरान और हदीस के नुसूस वाजे होने के बाद आप लोग जो है दलील की पैरवी ना करते हुए तभी माउजिला, नहीं, आप लोगों को चाहिए कि आप दलील की इत्तबा करें। ये असल में बाज़ अहनाफ़ पेश करते हैं कि इब्न रजब ने अहले हदीसों के खिलाफ किताब लिखी, हालांकि ये बात मुनासिब नहीं है। ये असल में तकलीद, जिस तकलीद का जिक्र हो रहा है, तकलीद मुतलक है, ना कि तकलीद शख्सी। तकलीद शख्सी ये गुमराही है। जाहिर सी बात है, आप अगर एक शख्स को ये समझें कि वो गलती से मुबर्रा और मुनज्जा है, ये तो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है, ना किसी और का। तो
बुनियादी तौर पर जो हमारा और दीगर फिरकों में इख्तलाफ है तकलीद को लेकर या तकलीद के मसले को लेकर, वो तकलीद शख्सी है ना कि तकलीद मुतलक। दोनों में आप फर्क समझें। और यही बात शेखुलकुल फिलकुल की आप मियां मुहद्दिस देहलवी की किताब मेहरुल हक भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो ये रहा दूसरा जो है आपका जो सवाल था उसका। तीसरा ये है कि बहुत सारे लोग हमसे मदद मांगते हैं, हम मदद कर भी देते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमारा शुक्रिया अदा नहीं करते, तो ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, इसका ये मतलब है कि आप उनकी मदद इसलिए कर रहे हैं कि वो आपका शुक्र बजा लाए, तो मदद करने का मतलब ही क्या बाकी रह गया? अगर आप मदद इसलिए कर रहे हैं कि आगे वाला जो है आपके एहसान के नीचे दब जाए, तो उस मदद करने का ना तो दुनिया में कोई खास फायदा आपको होने वाला है और यकीनन आखिरत में तो कोई फायदा होने वाला है ही नहीं। जब किसी भी इंसान की आप मदद करें तो जाहिर सी बात है आपको ये बात जहनशीन होनी चाहिए कि करो मेहरबानी तो महले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर, जैसा अल्ताफ हुसैन आली ने कहा था। कि मेहरबानी जब हम करते हैं किसी पर तो इसका मतलब क्या है कि खुदा अर्श पर हमसे राजी हो जाए। जैसे अल्लामा सुयूती ने अलहबुल वसीक नुसरत सिद्दीक के अंदर जो है ये वाकया जिक्र किया। बहरहाल उस वाकये की तरफ मैं नहीं जाता। तो करना क्या चाहिए, तो इख्तिसार इसका जवाब मैं यही देना चाहूंगा। अगर आप सूरह कसस उठाकर देख लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां पर सैदना मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि जब सैदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दो बहनों की मदद की, जैसा रिवायतों के अंदर आता है कि वो दो बहनें सैदना शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, क्या कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत, फसाका लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनकी बकरियों को जो उनका रेवड़ था उसको पानी पिलाया और वो वहां से चले गए साये की तरफ। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी की मदद करें और आपका काम मुकम्मल हो जाए, वहां पर आप ठहरे नहीं कि वो आपको शुक्रिया कहें, वो आपको कहें कि हम परेशान थे, अल्लाह ने आपको फरिश्ता, ये सब सुनने की जरूरत नहीं है आपको। आपने अल्लाह के लिए मदद की, आप दूसरी तरफ चले जाएं, ये काम आपको करना चाहिए बजाय इसके कि आप इसकी तवक्को रखें कि वो आपका शुक्र अदा करे। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतों की क्या बिल्कुल बहुत बड़ी फजीलत है, जैसा कि आप जानते हैं कि आसमान के खजानों में से है, अर्श के खजानों में से सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें। बल्कि उस हदीस को भी आप सामने रखें जिसको इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने सही इब्न हिब्बान के अंदर नकल किया, बल्कि बहुत मारूफ हदीस है। अल्लाह के रसूल और शेख शुएब अल अरनऊत रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जो अल एहसान है जो इब्न हिब्बान की जो उन्होंने तखरीज की है उसके अंदर उसको सही भी करार दिया। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रावी है गालिबन सैयदना नुमान इब्न बशीर रजी अल्लाह तआला, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अल आयतान, यानी दो आयतें। कौन सी दो आयतें? उतिमा बिहिमा सूरतुल बकरा, कि जो सूरह बकरा की दो आयतों को खत्म करता है, ला तुकरान फी दारिन सलास लयालिन, 3 रातें, फयकरबूह शैतान। अब औकमा खाल, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस किसी घर में सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें 3 रातों तक पढ़ी जाए, यानी सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें 3 रातों को पढ़ी जाए, शैतान उसके घर के आसपास भी नहीं भटक सकता बल्कि करीब भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो सूरह और भी बहुत सारी हैं, बल्कि मैं आप लोगों से यही मशवरा दूंगा कि जो सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें उस पर दर्स है शेख मकसूद का, 2 घंटे का, उन दो आयतों पर काफी तफसील से बहस आमदुल, तो आप उसको पढ़ें, आपको और भी बहुत सारे निकात जो है इंशाअल्लाह मालूम होंगे। ठीक है, अगला सवाल जो आया है काफी दिलचस्प सवाल है, ये भी तालिब इल्म मुबारकबाद है। वो कहते हैं कि अक्सर कादियानी ये हदीस पेश करते हैं सही मुस्लिम की, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फइन याकरुल अंबियाई व इन मस्जिदी आखिरुल मसाजिदी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। तो कादियानी कहते हैं कि अगर इस हदीस का ये माना लिया जाए कि आखिरी मस्जिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो फिर दूसरे मस्जिदों को बनाना नाजायज होगा। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, तो इसके बाद जिल्ली नबी हो सकते हैं जिस तरह और भी मस्जिद हो सकते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। यहाँ पर एक नुक्ता आप लोग याद रखें, पहले तो ये डॉट डॉट मैं दोबारा सुना देता हूँ। हदीस पेश की है क्या सही मुस्लिम की, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फइन्नी आखिरुल अंबियाई व इन्ना मस्जिदी आखिरुल मसाजिद, कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। तो कादियानी कहते हैं कि जिस तरह इस हदीस का ये माना लेना दुरुस्त नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लम की मस्जिद आखिरी मस्जिद है, उसी तरीके से भी ये माना लेना दुरुस्त नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, ये जहालत है, हाज़ा जहल।
ये बिल्कुल जो है जहालत है, क्योंकि अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह खान फी उलूमुल कुरान के अंदर बयान करते हैं, जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ ला तकरबु सलात, अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर कहा कि तुम नमाज के करीब ना जाओ, तो और कोई शख्स कहे कि देखो अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि नमाज ना पढ़, तो ये जहालत है। ला तकरबु सलात व अंतुम सुकारा, कि जब तुम नशे की हालत में हो तो अल कुरान यफस्सिरु बाज़हु बाज़, कुरान को जो है कुरान की बाज़ आयतें बाज़ आयतों की तफसीर करती है, उसी तरीके से अहादीस बाज़ अहादीस की तफसीर करती है। ये एक आम हदीस है, आप इसका जो तुरुक अगर आप उठाकर देखें, इमाम मुंजिरी रहमहुल्लाह की तरगीब व तरहीब उठाकर देखें, वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद खातिमुल मस्जिद अंबिया, कि नबियों की मस्जिद में मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो नबियों की मस्जिदों में आखिरी मस्जिद मस्जिद नबवी है। तो हदीस को जब आप पढ़ें तो उसके पूरे तुरुख को, उसके पूरा जो जिस वो उसके उससे मिलते जुलते पूरे मुतून को, पूरे इसनाद को जब आप जमा करेंगे तब जाकर आपको हदीस समझ में आएगी। ऐसे इस्तदलाल करना दुरुस्त नहीं। हदीस का माना ये है सही मुस्लिम का, जिससे जैसे कि हमें इमाम मुंदरी रहमहुल्लाह के तरगीब व तरहीब से मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ और नबियों की मस्जिद में आखिरी मस्जिद मेरी नबी है, मेरी मस्जिद है। क्यों? जाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तो आखिरी मस्जिद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद होगी, यानी मस्जिद से मुराद नबियों की मस्जिद में आखिरी मस्जिद मस्जिद नबवी है। ठीक है, दारुसलाम की किताबें पढ़ना कैसा है? देखिए असल बात यह है कि दारुसलाम जाहिर सी बात है एक इदारा है, लेकिन यहाँ पर मैं तलबतुल इल्म को ये बात बताना चाहूंगा और आप लोग इस बात पर गौर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में सूरह तूर के अंदर इरशाद फरमाया, वत्तूर और किताब मस्तूर, है कि नहीं? जैसे जुबैर बिन मुतैम रजी अल्लाह तआला की रिवायत मिलती है कि जब ये सूरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी तो हम काफी खुश हो गए। अब यहाँ पर देखें, वह तूर, अल्लाह ताला ने किसकी कसम खाई? तूर यानी लिखी हुई किताब की कसम, जो यो समझे आप जो चमड़ा होता है ना, बारीक चमड़े की जो फैले हुए वर्क होते हैं उस पर, यानी आप देखें कि कुरान एक अजीम किताब है, इस किताब के बारे में ये कहा जा रहा है कि बारीक चमड़े के औराक पर यह किताब लिखी गई, क्योंकि अरबी में जो रख होता है, रख का मतलब था जिल्द रकीक, यानी एकदम बारीक चमड़ा जिस पर लिखा जाए। तो अब यहाँ पर बात क्या समझ में आई साथियों, गौर से समझे मेरी बात और इस बात को लिख कर रखें। यहाँ पर ये बात हमें समझ में आती है कि जो कीमत है वो किताब के मजमून की है, ना कि इसकी खूबसूरत जो है कॉपी की, पेज की, नहीं ना उसके महंगे कागजात की। समझ रहे हैं आप मेरी बात? असल चीज जिसकी कीमत है वो कंटेंट की है, ना कि पेज की, इस क्या कहते हैं उसकी ऑयल प्रिंट की, उसकी बैंडिंग की, नहीं उसकी कैलीग्राफी की। दारुसलाम अच्छा मकतबा है, इसमें कोई बात, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दारुसलाम से भी काफी सारे ऐसे मकतबा, आप मकतबतुल फहीम उठाकर देख लें, मकतबतुल सलफिया ले लें, काफी कम होती है उसकी कास्ट, और कॉन्टेंट के एतबार से काफी जो है मायानास किताबें जो है वो लोग छापते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि दारुसलाम से हटकर भी काफी सारे ऐसे मकतबात हैं जहां से आप लोग किताबें खरीद सकते हैं और वो किताबें जो है काफी फायदेमंद रहेंगी आपके लिए। एक मिसाल के तौर पर आप मकतबा फहीम ले लें, दारुसलाम के पीछे ना दौड़े। दारुसलाम मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो मकतबा है, वो एक बिजनेस है, वो बिजनेस कर रहे हैं बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है अच्छा, क्या कुरान मजीद में कल आपने कहा कि गफूर और रहीम में फर्क है, तो क्या कुरान मजीद में अर रहमान अर रहीम के बजाय क्या किसी सूरत में अर रहीम और रहमान आया है? देखिए जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो लतीफे होते हैं ये लतीफों से तलबा को परहेज करना चाहिए। ये जो लतीफे होते हैं, लतीफे कहते हैं रिडल्स को, पजल्स को, हमारा काम रिडल्स और पजल्स को सुलझाना नहीं है, हमारा काम मसाइल को बयान करना, अकीदे को सीखना है, ना कि जो है गपशप करना है। जो आप पूछ रही हैं, जिसने भी ये सवाल पूछा उन्हें चाहिए कि वो होश से काम लें। जो आप पूछ रही हैं ये कोई इल्मी मसला नहीं है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अर रहमान, इब्ने हजर कहते हैं कि देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहीम आया है, फिर उसके बाद अर रहमान अल्लामुल कुरान, तो ये कोई इल्मी मसला नहीं है, ये बात को आप लोग समझें। ठीक है, तो लतीफों से काम नहीं लेना चाहिए, मसाइल अगर कोई हो पूछिए। देखिए अगला सवाल काफी अच्छा आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलमुमिनुल सल्वी मिनल, क्या है एक मिनट, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है
कि कवि मोमिन अल्लाह ताला को कमजोर से ज्यादा महबूब और पसंद है। तो इस हदीस का क्या माना है, कुव्वत से मुराद यहाँ पर क्या है? देखें, जो इस हदीस में लफ्ज आया है कि कवी मोमिन, तो बाद लोग ये समझते हैं कि कवी मोमिन से मुराद हदीस ये है कि अल्लाह ताला को जो कवी मोमिन है, एक स्ट्रांग बिलीवर है, वो वीक बिलीवर से ज्यादा पसंद है। तो इसका माना क्या है, स्ट्रांग बिलीवर या कवी मोमिन का माना क्या है? देखिए, इससे बाद लोग ये मुराद लेते हैं कि वो मालदार है, हालांकि मालदार मुराद नहीं है, ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। बल्कि इससे मुराद, यानी कवी मोमिन से मुराद वो शख्स है जिसका ईमान मजबूत होता है। अब याद रखें, जिसका ईमान मजबूत होता है, जैसे अगर आप इमाम नववी रहमहुल्लाह की शरह सही मुस्लिम उठा कर देखें, उसी तरह से शेख उसैमिन रहमहुल्लाह ने भी यही माना बयान किया है। बल्कि अगर आप शेख इब्ने बाज रहमहुल्लाह की जो किताब तौहीद की शरह उठा कर देखिए, वहां पर भी आपने ये बात बयान की कि कवी मोमिन वो है जिसे अम्र बिल मारूफ व नहय अल मुनकर पर कुदरत हो और जिहाद फी सबीलिल्लाह में हिस्सा ले रहा। बाज़ उलमा ने यह भी बात बयान की है कि इससे मुराद मजबूत जिस्म वाला, यानी जिस्मानी तौर पर वो ताकतवर हो। यानी ये भी दो माने मारूफ है, एक तो उसका ईमान मजबूत हो, दूसरा उसका जो है जिस्म मजबूत हो। बाकी जहां तक मालदार होने की बात है, तो ये हदीस से अखज नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये बात दुरुस्त नहीं। तो कवी मोमिन, जो स्ट्रांग बिलीवर है, इससे दो माने लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि जिसका ईमान मजबूत हो, यानी वो अमर बिल मारूफ व नहय अल मुनकर, बुराई को देखता है तो रोकने की कोशिश करता है, अच्छाई का हुक्म देता है, जिहाद के अंदर जो है वो हिस्सा लेता है, और उसका जिस्म जो है तंदुरुस्त है, वो जो है ताकतवर है। और जाहिर सी बात, ताकत भी वो हो जो नेकी में काम आए, तब वो काबिले तारीफ है, ना कि जो है गुनाह में। तो कवी मोमिन का ये माना है। क्या उलमा से राबता कर कर बजरिए वॉइस नोट्स इल्म सीखा? बिल्कुल सीखा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर एक मैं नुक्ता आप लोगों को बताना चाहूंगा, और हो सके तो इस नुक्ते को आप लोग अभी लिख कर रख लें। कादियाद रहमहुल्ला ने इल्म हासिल करने के 8 तरीके बयान किए हैं, आठ आठ। अब हमें एक तरीका मालूम है, अब मिसाल के तौर पर फैसल अफरोज बात कर रहे हैं और आप लोग बात सुन रहे हैं, ये एक तरीका है, ये बराह रास्त सुनना है। लेकिन बास तरीके ऐसे भी होते हैं कि जहां पर आप सुन नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पर एक इल्म का तरीका है विजादा। क्या है विजा? इसमें क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं, अब जाहिर सी बात है दो दोस्त भी जॉब कर रहे हैं, तो वो ये कहेंगे कि 5 दिन दर्स हो रहा है तो 2 दिन तुम जाओ, 3 दिन मैं जाऊंगा, 2 दिन शेख ने जो कहा है तुम लिख कर मुझे बताओ, 3 दिन शेख ने जो कहा मैं तुम्हें लिख कर बताऊंगा, ताकि 5 दिन का कंटेंट हमें मिल जाए। तो अब देखिए, इसमें शेख से बराह रास्त आप नहीं ले रहे हैं, बस औकात 2 दिन तो ले रहे हैं, तीसरे बाकी के 3 दिन क्या कर रहे हैं, किसी और के जरिए से ले रहे हैं। तो इल्म के हासिल करने के 8 तरीके उलमा ने बताए हैं। तो उसमें एक तरीका क्या है पता है आपको? खत व किताबत। उस दौर में जो एक तरीका होता था वो क्या था? खत व किताबत का, यानी लेटर्स लिखा करते थे। मिसाल के तौर पर आप देखें, बहुत सारे रसायल आपको मिलेंगे कि जो जमालुद्दीन खासमी रहमहुल्लाह ने महमूद शुक्री आलूसी को जो खत लिखे, या उसी तरह से शेख इब्ने बाज रहमहुल्लाह ने दीगर उलमा को, अली मियां नदवी रहमहुल्लाह, बहुत सारे उलमा आपको, शेख उबैदुल्लाह रहमानी रहमहुल्लाह के जो खतूत है अब्दुल सलाम रहमानी को, और उसी तरीके से उबैदुल्लाह रहमानी के जो मकातिब है, आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगे। मकातिब, मकातिब यानी मकतूबात, जो लेटर्स लिखे गए हैं। तो लेटर्स के जरिए से भी जो इल्म हासिल किया जाए, जाहिर सी बात है आज लेटर्स की नौबत नहीं है, आज आपके पास अल्लाह के फजल व करम से उलमा के नंबर्स मौजूद हैं, तो आप वॉइस नोट भेजेंगे, आलिम आपको जवाब देंगे, तो जाहिर सी बात है आप उनसे इल्म हासिल कर रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इंटरनेट अपने आप में एक फी नफ्स ही, मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेट फी नफ्स ही अच्छी या बुरी चीज है, इस्तेमाल जैसे आप करेंगे उस तरीके से आपको फायदा होगा। तो बिल्कुल आप वॉइस नोट्स के जरिए से, टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए से, कॉल्स के जरिए से, जो भी जरा इबलाग है, जो भी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके जरिए से आप इल्म हासिल कर सकते हैं। खुद इमाम बुखारी की सही बुखारी आप उठा कर देखें, बात से बात हमें याद आ गई, इमाम बुखारी ने अपने एक उस्ताद मोहम्मद बिन बशार से बजरिया खत हदीस लिखी, आप उसमें देखेंगे वहां पर अल्लाह अकबर, इमाम बुखारी ने ये नहीं कहा हदसना अखबरना समय तो नहीं, ये नहीं कहा कि मैंने सुना है हमें खबर मिली है, नहीं, ये लिखा है कि कत कतब था कि मेरे जो है उस्ताद ने हमें खत लिखकर भेजा, और ये खत के अंदर यह हदीस बजरिया खत रितु लेटर आपने जो है इल्म सीखा, और ये बात जो है बिल्कुल जायज है, आप इल्म ऐसे हासिल कर सकती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कौले मारूफ, कौले करीम और कौले सदीद के दरमियान क्या फर्क है? देखिए, जाहिर सी बात है हम अरबी क्लास में नहीं है, आप लोग अरबी पढ़ रहे हैं तो आप शेख निसार से पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल आया, देखिए जो कौले मारूफ है, तो कौले मारूफ कहते हैं हर उस कौल को,
जो अक्ल या शरीयत की निगाह में अच्छा हो, यानी कौले मारूफ गुड वर्ड कह सकते हैं आप, जो रैशनली और टेक्स्टुअली यानी अकलन और नकलन ये अच्छा अमल हो, उसे कहते हैं कौले मारूफ। और कुरान मजीद में अगर आप देखेंगे कौले मारूफ चार मकामात पर आया है। अब देखें कौले करीम, कौले करीम क्या है, यानी कर्म, यानी काबिले तारीफ, हर वो कौल जो काबिले तारीफ है उसे कहते हैं कौले करीम, जैसा ये कुरान मजीद में एक बार आया है। अब जो कौले सदीद है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, अब ये क्या है, सीधा करना, यानी बात जो है नेजे की तरह, लाइक क्या बोलते हैं, स्पेयर, एकदम जो है सीधी बात हो, इसमें इसको कहते हैं, यानी बिल्कुल जो है साफ बात हो उसे कहते हैं कौले सदीद। तो ये है कौले कौले मारूफ, कौले करीम और कौले सदीद। अगला जो सवाल आया है, मैं कहूंगा आप लोगों से दोबारा कि इसको भी आप लोग लिख कर रख लें। अक्सर फिका की क्लासेस में हनफी, ये स्टूडेंट जो है हनफी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छा सवाल किया। अक्सर फिका की क्लासेस में ये बताया जाता है कि अगर किसी मसले पर चारों अइमा मुत्तफिक हो जाए तो ये इस बात की दलील होती है कि वो मसला जो है मबनी बरहक, कि इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम हज़रत हम्बल और इमाम मालिक किसी एक मसले पर, या फुकहाए अरबा किसी एक मसले पर मुत्तफिक हो जाए तो इस बात की दलील मान ली जाती है कि ये मसला बजानिब हक है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? ये सवाल समझे आप लोग या ये नहीं समझे? सवाल ये है कि अगर चारों अइम्मा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद हम्बल कहेंगे ये मसला जो है ऐसे है, और चारों की राय को इंसाइड हो रही है, चारों एक मसले पर अग्री कर रहे हैं, तो उमूमन फिका में ये पढ़ाया जाता है कि इस बात की दलील है कि ये मसला जो है बजानिब बरहक है, कि ये इट्स वेरी रेयर कि ये मसला गलत हो, या फिर इट्स अग्रीड अपॉन कि ये मसला सही है, ये पढ़ाया जाता है। तो साथ ही ये पूछ रहे हैं कि किसी चारों अइमा अरबा का किसी एक मसले पर मुत्तफिक होना क्या इस बात की दलील है कि वो मसला सही है? अभी आप लोग समझ गए सवाल जी? जहन को थोड़ा तेज रखें, ऐसा ना लगे कि मैं नर्सरी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। दोबारा बात को दो बार दोहराना, ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? बात को दो बार दोहराना बहुत गिरा गुजरता है, खासकर जब आप लोग 25-30 साल के हों, ठीक है? 5-6 साल का बच्चा हो तो दोबारा दोहराई जाए अच्छी लगती है बात, लेकिन तवज्जो से सुने। बहरहाल बात को हम दूसरी तरफ ना लेकर जाते हुए, तो सवाल ये है, देखें ये बात ऐसी नहीं है कि अगर चारों अइमा किसी मसले पर मुत्तफिक हो जाए तो ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपको मुतअद्दिद ऐसे मसाइल मिलेंगे जहां पर चारों अइमा मुत्तफिक है लेकिन दलील उसके खिलाफ है। मैंने बस तहकीक करते हुए मैंने 10 मसाइल बतौर एग्जाम्पल लिख कर रखा है ताकि आप लोगों को मेरी बात आसानी से समझ में आए। नमाज की जो सफबंदी होती है, यानी जो नमाज में सफ में खड़े होते हैं, चारों इमाम कहते हैं कि कदम से कदम मिलाना दुरुस्त नहीं है, पैर से पैर लगाना, हालांकि हदीस उसके खिलाफ है। आपको बहुत सारे अहादीस मिलेंगे जहां पर पैर से पैर लगाने का हुक्म है। फिर दूसरा ये है कि जवान औरतों को जो है मस्जिद में नमाज पढ़ना जो है मकरूह है, हालांकि ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं। आपको अहादीस में सहाबियात मिलेंगे जो मस्जिद जाया करती थी। फिर ईदेन में दो खुतबे देने जाए पर अइमा अरबा का इत्तफाक है, लेकिन बहुत सारे अहादीस आपको मिलते हैं जिसमें सिर्फ एक खुतबे का जिक्र है। फिर ये भी बात ये कही जाए कि जो नमाजें जो है अमदन छोड़ी गई उसकी भी कजा वाजिब है, लेकिन अहादीस में इसका जिक्र नहीं मिलता। फिर जो हामिला और मुर्जिया है, हामिला कहते हैं प्रेगनेंट को, मुर्जिया कहते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग औरत है, हामिला और मुर्जिया पर इनकी फौजशुदा रोजों की कजा वाजिब है, हालांकि अहादीस के अंदर उसका जिक्र नहीं मिलता। शेख अल्बानी ने दलाइल पेश किए कि रोजों की कजा वाजिब नहीं है। फिर ये भी एक मसला है कि रोजे में गलती से तुलुए शम्स से पहले या तुलुए फजर के बाद खा पी लेने से इसकी कजा वाजिब है, लेकिन हदीस की रोशनी में वाजिब नहीं है अगर कोई गलती से खा पी ले। फिर हलफ बिल तलाक से तलाक हलफ बिल तलाक ये काफी इल्मी मसला है, इसको मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, इसको छोड़ दें। अहराम के लिए सुन्नत अहराम की नियत से 2 रकात नफिल अदा किया है। आप देखते होंगे उमरा में लोग जब अहराम पहनते हैं तो 2 रकात नमाज अदा करते हैं, और ये बात चारों इमाम कहते हैं, हालांकि हदीस में इसका कोई खास सबूत नहीं मिलता। फिर औरत को 5 कपड़ों में दफनाने को मसनून करार दिया गया है, हालांकि ये इसका भी जिक्र नहीं मिलता।
फिर नमाज को कसर करने के लिए सफर की एक खास मसाफत या खास मकदार है, इसके बगैर कसर नहीं कर सकते, ये भी जो है हदीस से नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ तो आपको और भी मसाइल मिलेंगे, जैसे एक मजलिस की तीन तलाकें हो गई, ईद उल अजहा में जो मुखय्यत तकबीरात थे, मीरास का मसला, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जहां पर चारों अइमा अरबा मुत्तफिक है, लेकिन वो मसला जो है नुसूस से साबित नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ मस्जिद में इमाम साहब बड़े लंबे खुतबे दिया करते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? देखिए, ये दुरुस्त बात नहीं है। अगर आप देखें सजना अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह तआला जब कभी खुतबा दिया करते थे तो काफी जो है मुख्तसर खुतबा दिया करते थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना मुख्तसर, मुस्लिम में है ये हदीस, तो आपने कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि आदमी के जो है नमाज को लंबा करना और मुख्तसर को खुतबा करना क्या है, इसकी समझदार होने की निशानी, तो खुतबा मुख्तसर होना चाहिए। सैयदना अनस रजी अल्लाह उन्होंने कहते हैं कि एक आदमी ने सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास खुतबा दिया और लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, तो फौरन सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला फरमाया कि खुतबों में बहुत ज्यादा बातें शैतानी फजूलियात में से है। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अदबुल मुफरद के अंदर इस वाक़े को नकल किया है, और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी आप देख लें। शेख शुरैन जो हरम के इमाम है, उन्होंने मुस्तकिल इस पर किताब लिखी है, 300, मैं समझता हूँ 327 या 330 पेजों की किताब है, मैंने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इस मौजू पर कि खुतबा कैसे दिया जाए, और उस पर तफसील से उन्होंने बहस की है, बहुत सारे वाकयात आपको मिल जाएंगे। और जाहिर सी बात है आधे घंटा काफी है खुतबे के लिए, आप बहुत सारी बातें आधे घंटे के अंदर जिक्र कर सकते हैं, उसके लिए लंबी चौड़े तकरीरों की कोई जरूरत नहीं, तो खुतबा मुख्तसर होना चाहिए, खुतबा जो है बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरबी हम सीखते हैं लेकिन मुश्किल होती है, तो हम क्या करें, पहले अरबी सीखें या पहले फिक्र सीखें? देखिए असल चीज क्या है, अरबी हो, शायरी हो, इल्म उलूज हो, या नह हो, सर्फ हो, मानी हो, बदी हो, असल चीज क्या है? अब आप देखें क्या बरेलियों में हुफाज कुरान नहीं, कुरान के हाफिज नहीं, कई सारे हाफिज कुरान आपको बरेलियों में मिलेंगे, लेकिन वो इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन का माना नहीं समझते, तो आप मुझे बताइए अपने दिल पे हाथ रखकर, क्या उनका ये हिफ्ज कुरान कयामत के दिन उनको अल्लाह के अजाब से नजात दिलवाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो शिर्क कर रहे हैं। तो असल चीज क्या है? असल चीज है दीन को समझना, असल चीज है दीन पर अमल करना। सुभान अल्लाह, बात से बात हमें याद आ गई, आप अगर इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह की किताब इक्तदाउल इल्मुल अमल वो नहीं भी पढ़ सकते, तो शेख अलबानी के शागिर्द शेख हुसैन, उन्होंने उसका इख्तसार लिखा है, वो पढ़े आप। उसके अंदर एक अजीब वाक्य नकल किया है अबी उवैस जो है असल में इमाम मालिक के दौर के एक आदमी थे, अबी उवैस रहमहुल्ला, आप उनको देखें, वो कहते हैं अबी उवैस रहमहुल्ला कि एक दफा हम जो है इमाम मालिक के साथ बैठे हुए थे, तो एक शख्स जो है आया, ऐसी बात है वो शख्स काफी अमीर था, और वो जो है यूं समझे आप रेशमी लिबास, या यूं समझे जो मखमल सिल्क कहते हैं ना, सिल्क सिल्क का जो है कपड़ा वो जो है पहन कर आया, और जाहिर सी बात है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे थे, और जब आप दर्स दे रहे थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तो जाहिर सी बात है अरबी में तो जो नहव यानी जो कवायद होते हैं, नहव के, सर्फ के, मानी के, बदी के, बलागत के, अदब के, वो कवायद वो अदा नहीं कर पाए, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कह लें आपको, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हो गए। अब वो जो शख्स आया हुआ था जो अमीर था, मखमल का लिबास पहना हुआ था, उसने कहा कि क्या इसके वालदेन के पास 2 दिरहम भी नहीं थे कि वो 2 दिरहम इस शख्स पर खर्च करते ताकि वो इसे अरबी सिखा दे? बात समझे कि कौन कह रहा है, वो अमीर शख्स जो मखमल का लिबास पहना हुआ है इमाम मालिक को कह रहा है, क्या इमाम मालिक के वालदेन के पास 2 दिरहम नहीं थे, अगर खर्च करते तो ये अरबी सीख लेते, ऐसी गलतियां ना कर दे। अल्लाह अकबर। इमाम मालिक की खबर पर अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने क्या जवाब दिया कि ये मालूम होना कि क्या पहनना जायज है और क्या पहनना नाजायज है, ये बेहतर था तुम्हारे लिए इससे कि तुम इस फर्क को समझो कि जरब अब्दुल्ला जैदन व जरब जैदन अब्दुल्ला, यानी जाहिर सी बात है कि अब्दुल्ला ने जैद को, जैद को अब्दुल्ला ने, तो बताना मारा, तो यानी अगर तुम अरबी इतनी जानते हो लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि ये मखमल पहनना हराम है मर्द के लिए, तो फायदा क्या है? यानी तुम्हारा अरबी जानना तुम्हें क्या नफा देगा जब तुमने हलाल और हराम की मारिफत ही हासिल नहीं की? तो
मैं भी यही कहना चाहूंगा कि असल चीज ये है कि दीन को समझा जाए। असल चीज ये नहीं कि आप कवायद को याद करते हुए बैठे, इन कवायद को याद करना, इन तमाम चीजों का मकसद क्या है कि दीन पर अमल पैरा हो और दीन को समझने में आसानी हो, ये असल चीज। ठीक है, तो ये जो है पहली चीज है जो आपको समझना है, बजाय अरबी के हम इस पर तवज्जो दें कि दीन की सही तफहीम और तशरीह हम हासिल करें। यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम को कैसे हमने बाद यूट्यूब के लेक्चर्स में देखा है कि बाज शेख बाज मशायख यूसुफ कहते हैं, बाज यूसुफ कहते हैं, असल चीज क्या है। देखिए, इमाम नवी रहमहुल्लाह ने सैयदना यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम के जो तलफ्फुज़ात है वो तीन पेश किए। एक तो है यूसुफ यानी जो सीन है उस पर पेश, एक है यूसुफ यानी सीन है जेर है यूसुफ, एक है यूसुफ यानी जबर जेर पेश, यूसुफ यूसुफ यूसुफ। जाहिर सी बात है ये तीन भी जायज है, ये तीन तलफुजात भी दुरुस्त है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। यूसुफ भी दुरुस्त है, यूसुफ भी और यूसुफ भी अलैहि सलाम। क्या सीरत की किताब में सबसे पहली किताब जो लिखी गई है वो क्या मोहम्मद इब्ने इसहाक रहमहुल्लाह की किताब सीरत इब्ने इसहाक है? नहीं, सीरत इब्ने इसहाक नहीं है, उससे पहले भी सैयदना आकिल की किताब, उरवा इब्ने जुबैर की किताब, मुसब, बहुत सारे उलमा ने उससे पहले किताबें लिखी है। ये कोई पहली किताब नहीं है सीरत के ऊपर, उससे पहले भी जो है बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, शेखैन ने इस हदीस को रिवायत किया, क्या माना? देखिए, मैंने पिछले दर्स में भी कहा था, पिछले दर्स से बड़ा पिछला नहीं, कि शेखैन जो है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में बैठे हुए हैं। बात को समझें, अगर आप सहाबा की फजाइल की गुफ्तगू चल रही है और आप शेखैन कहें तो वहां पर जो है सैदना अबू बकर और सैदना उमर मुराद होते हैं, लेकिन मुहद्दिसीन की जब बात हो, हदीस की क्लास चल रही है, शेखैन कहे उस्ताद, तो उसका मतलब होता है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। लेकिन आप फिकह हनफी की क्लास में बैठे हुए हैं और फिकह हनफी पढ़ाई जा रही है और शेखैन कहा जाए, तो वहां पर शेखैन से मुराद कौन है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। फिर आप मालिकी फिक पढ़ रहे हैं और वहां पर शेखैन बोला जाए तो उससे मुराद कौन है? इमाम कायरवानी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम खाबसी रहमतुल्लाह अलैह। अब उसी तरीके से आप शाफी फिका की क्लास में बैठे हुए हैं और वहां पर उस्ताद कहें कि शेखैन का ये कौल है, तो वहां पर इमाम राफे रहमहुल्ला, इमाम रफाई जो कहते हैं, और मारूफ जो इमाम नववी रहमतुल्ला अलैह। फिर आप हनाबिला की क्लास में चले जाए और वहां पर शेखैन कहें तो वहां पर कौन है? मजद इब्ने तैमिया, अब्दुल हलीम इब्ने तैमिया नहीं, एक है शेख इस्लाम तैमिया जिनका नाम है अबुल अब्बास अहमद तकीउद्दीन, एक है मजद इब्ने तैमिया। ये कौन है? शेख इस्लाम ने तैमिया के दादा अब्दुल सलाम इब्ने मजद इब्ने तैमिया। तो शेखैन से मुराद वहां पर मजद इब्ने तैमिया है, एक तो ये है, और दूसरे कौन है वहां पर? इब्ने खुदावा अल मक्दिसी साहिबे मुगनी। तो ये डिपेंड करता है शेखैन के आप किस क्लास में जो बैठे हैं, और ग्रामर की क्लास में अगर आप बैठ गए, मिसाल के तौर पर आप शेख निसार कह रहे हैं कि शेखैन की ये राय है, तो वहां पर इमाम खलील इब्ने अहमद अन्नहवी और इमाम सीबवे, ये दो मुराद होते हैं, खलील और सीबवे, ये दो। आप फलसफे में फिलोसफी की क्लास में पढ़ रहे हैं और वहां पर उलमा कहें शेखैन, तो उससे मुराद इमाम फाराबी और इब्ने सिना। तो डिपेंड करता है कि शेखैन तफसीर में बैठे हुए इब्ने तैमिया और इब्ने कय्यिम। तो बताना मकसद ये है कि आप कौन सी क्लास में बैठ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि शेखैन का माना वहां पर क्या है, ये बात को समझें। ठीक है, तो ये चीज बेहद जरूरी है, तो ये बात को आप समझना चाहिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हुआ है, आपने कहा इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम थे, इमाम गजाली की यहलुमुद्दीन काफी मारूफ किताब है, इसके बारे में क्या राय है? देखिए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की जो यहलुमुद्दीन है उसके ऊपर काफी सारे अहले इल्म ने कलाम किया है, बल्कि इमाम माजरी रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त के बहुत बड़े अफ्रीका के आलिम दीन थे, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस किताब को जला दिया जाए। बल्कि आपके अलावा भी उस वक्त अल्लामा जूज़ी रहमहुल्लाह, अल्लामा सलाह रहमहुल्लाह ने उस किताब का रद्द लिखा है, बल्कि शेख उलिस्लाम तैमिया रहमहुल्लाह ने मजमुअल फतावा की 10वीं जिल्द में कहा है कि जहां तक कुतुल कुलूब का ताल्लुक है, कुतुल कुलूब अबू तालिब अल मक्की की किताब है, उसी तरीके से यहलुमुद्दीन इमाम गजाली की किताब है, इसके अंदर आमाल कुलूब का जिक्र है, जैसे सब्र का, शुक्र का, मोहब्बत का, तवक्कुल का, तौहीद का, ये पूरी किताबें, ये पूरे 40 किताबें हैं इमाम गजाली की यहलुमुद्दीन के अंदर। अच्छी किताब है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ज़ईफ मौज़ू रिवायात भी इसके अंदर जहर भर चुकी है। जाहिर सी बात है एहतियात करना चाहिए, बल्कि तलबा को इब्तदाई दौर में इन किताबों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि काफी सारी किताबें, काफी सारे वाकियात या काफी सारी चीजें इसके अंदर ऐसी है जो तलबा के लिए जो है नफा बख्श नहीं है और तलबा उससे कोई खास फायदा नहीं उठा सकते, ये बात को आप याद रखें।
तो इयाहुलमुद्दीन की ये है। बहरहाल और भी बहुत सारे सवाल थे लेकिन 40 मिनट हो चुके हैं, फिर भी मैं एक सवाल लेकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। और आखिरी सवाल काफी अच्छा लगा, इसलिए मैं ये सवाल को ले रहा हूँ कि महमूद गजनवी के दौर में जो मुनाजरा मरवती के दरमियान हुआ था वो क्या था। देखें वो मुनाजरा, असल में इस मुनाजरे को इमाम ज़हबी ने सीरत नबला के अंदर और भी बहुत सारे उलमा ने नकल किया है, काफी दिलचस्प मुनाजरा हुआ। और उस मुनाजरे के बाद ही महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हनफी मसलक को छोड़कर वो अहले हदीस हो गए। मुनाजरा क्या हुआ असल में कि अहनाफ और शवाफे में काफी जंग भिड़ गई, अहले हदीसों में और अहनाफ में। तो खफ्फाल मरवजी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि पूरे अहनाफ के उलमा को जमा किया जाए और शवाफे उलमा को भी जमा किया जाए बादशाह के दरबार में, और बस इतनी शर्त रखी कि 2 रकात नमाज हम अहले हदीस के तरीके पर पढ़ेंगे और 2 रकात नमाज हम हनफी तरीके से पढ़ेंगे। तो बादशाह ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। अब हनफियों ने भी कहा ठीक है। तो 2 रकात नमाज खफाल मरवजी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले अहले हदीस के मुताबिक पढ़ी, साफ जा नमाज, वजू बना अच्छी तरीके से, अल्लाह की तारीफ, जो सुन्नत अरकान मुस्तहबात वाजिबात ये तमाम नमाज, इस तरह नमाज अदा, खद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन खुशू और खुज़ू के साथ आपने कामयाबी वाली नमाज अदा की, ठीक है। उसके बाद आपने कहा अभी 2 रकात में है हनफी तरीके से पढ़ूंगा, और आपने एक कुत्ते की चमड़ी मंगवाई पहले और उस चमड़ी को जमीन पर डाला, फिर उस चमड़ी का एक हिस्सा आपने अपने जिस्म पर डाला और उसमें भी एक चौथा हिस्सा उसको गिलाजत से लबरेज कर दिया, फिर आपने नबीज यानी शराब की किस्म से वजू बनाया, फिर आपके बाल बिखरे हुए थे, फिर आपने जो है अल्लाह अकबर नहीं कहा, आपने क्या कहा, खुदा बुजुर्गस कहकर आपने हाथ बांधा, फिर ना सूरह फातिहा पढ़ी आपने, उसके भी अंदर तमाम मिन्ना कुछ कहकर कुरान की आयत नहीं पढ़ी रुकू में, और जल्दी जल्दी रुकू अदा की सलाम फेर दिया। अब बादशाह काफी परेशान हो गया कि आखिर खफाल मरवजी क्या कर रहे हैं। कफ्फाल मरवजी ने कहा कि मैंने ये जो बकिया 2 रकात पढ़ी है वो हनफियों के तरीके पर पढ़ी है। तो बादशाह ने कहा कि अगर ऐसा तरीका हनफियों का ना हो तो मैं तुम्हारी गर्दन मार दूंगा। हनफियों को जो है बुलाया गया, हनफियों ने इनकार कर दिया, तो कफ्फाल मरवजी ने कहा कि नहीं, ये हनफियों की किताबों में लिखा हुआ है। अब एक ईसाई को हकम बनाया गया और उस ईसाई ने तर्जुमा किया उन किताबों का जिसका हवाला कफ्फाल मरवजी अपने हिफ्स के साथ दे रहे थे कि ये फलां किताब में है, ये फलां किताब में। जाहिर सी बात वो हवाले आज भी महफूज है और आज भी किताबों में ऐसी बातें मौजूद हैं। उसके बाद महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ने कहा कि मैं फौरन तौबा करता हूँ इस मजहब से और मैं मसलक अहले हदीस कबूल करता हूँ। ये मुनाजरा है, और भी तफसील आप देखना चाहें तो इमाम इब्न कसीर की अलबिदाया वन निहाया और इमाम ज़हबी की असर अलमनुबला, ये 2 किताबें आप देखें, आपको और भी तफसीलात मिलेंगी। अगर किसी की कुछ सवालात हैं तो वह अभी कर सकते हैं, वरना हम बात को यहीं रोकते हैं। इंशाल्लाह जो बाकी के सवालात हैं हम वो इंशाल्लाह कल से हम उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद कि आप लोगों की कोई सवालात नहीं है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।